सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस बेवाणी को मतलब जो है ना, एक ऐसा विधायक मिला है जो किसी को पानी पीने नहीं देता, रहा पीता नहीं, अपने पूरे दिन सोता है, ऐश करता है। बीजेपी सरकार तो इतने तंग हो रही है कि अरे एक चीज में महंगाई कर रखी से, किसी की भी कौन सुनी, कदे धरना धरिया है आशा वर्कर ना, कदे उनकी सुनी ने बोला तनख्वाह इतनी बढ़ा दी, कदे तनख्वाह बढ़ाई ना, कदे उनका दुख सुख सुना ना, कदे उनका साथ आया ना, हर एक चीज में महंगाई। लाठी भी खाई और सुगे इसके गोले भी, तो ये सरकार थोड़ी है, ये तो बेउद्दी सरकार है। डैडी से भी को नहीं, गम्मा में भी को रही ना, पहली गम्मा में तो थी, इन गम्मा रे भी मारा थी तीसरी जमीन से, सारे मजदूर हो रहे थे, जाट भी मजदूर हो रहे थे। कहाँ वोट देने की सोच रहे हैं फिर? कामरेड वोट कामरेड के देंगे, कामरेड के देंगे। बीजेपी की तरफ से ये जो है खोखले वादे हैं, ये इनको जो है ना अग्निवीर जो योजना है, इसको मतलब बीजेपी को ये लेके बैठने का काम करेगी। आपको लग रहा है कि कॉमरेड ओम प्रकाश मजदूरों की किसानों की आवाज़ उठाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल जी, पूरी आवाज़ उठाएंगे, और भिवाणी में काम कराएगा तो ओम प्रकाश कॉमरेड ही कराएगा, इससे बढ़िया नेता है नहीं कोई। मैं तो अपना देश या अपना हित सोचूंगा ना, तो मैं अपना बीजेपी को वोट दूंगा। आप बीजेपी को वोट? हाँ ठीक है जी। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी कितलाना गांव में हैं, जो कि भिवानी विधानसभा में पड़ता है। यहां पर जो मुख्य रूप से जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा से घनश्याम शराफ जी हैं, और यहाँ पर गठबंधन है कांग्रेस और सीपीएम का, और यहाँ पर सीट सीपीएम को मिली है, एक ही सीट सीपीएम को मिली है, वो यहाँ भिवानी विधानसभा से हैं। सीपीएम से यहाँ कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, और आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा जी हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा, किसान आंदोलन का भी क्या कुछ असर अभी है लोगों के दिलों में। आइए जी, राम राम। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पहुँचने पर गाँव कितलाना में, और मैं विजेंद्र कितलाना से। तो आप जो भी सवाल पूछो बाप। आप क्या विजेंद्र जी, आप क्या करते हैं, किसान हैं? हाँ, किसान ही समझो, बाकी अपना काम तो ड्राइविंग का था, ड्राइविंग का है, अब छोड़ रखा है, छोड़ रखा है, और बाकी जमींदारा भी करते हैं छोटा मोटा, ऐसा है। तो ये बताइए, आप किसान हैं, जमींदारा भी करते हैं, पहले ड्राइवरी भी करते थे, 10 साल हो गए यहाँ पर सरकार के, भाजपा सरकार के केंद्र में भी, और आपके हरियाणा में तो 10 साल हो ही गए। तो किसानों के लिए आपके हिसाब से सरकार कैसी रही है, कैसा रवैया रहा? देखो, किसानों के बारे में तो ये जीरो है, लेकिन ये एक वो मीठी पापड़ी दे दी कि 2000 रुपये मोदी के नाम से किसान को मिलेंगे, किसान सम्मान निधि जो होती है। हाँ जी, उसके लिए, पर 2000 से कुछ नहीं होता, 10 साल में, 15 साल में, जैसे हमारे विधायक जी जो हैं 15 साल भिवाणी से बैठे हैं, इस भिवाणी की बदनसीबी है, इस भिवाणी को मतलब जो है ना, एक ऐसा विधायक मिला है जो किसी को पानी पीने नहीं देता, रहा पीता नहीं, अपने पूरे दिन सोता है, ऐश करता है, इसने पब्लिक से और इसे कोई मतलब नहीं होता। आज तक कोई इतिहास उठा के देखो, 15 साल में इसने कोई काम करवाया कि जो काम आज जो भिवाणी में चल रहे हैं, जैसे वो बोल देता है कहीं पर इंटरव्यू में, हमने वो कॉलेज बनवा दिया, हम वो यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार में ही पास हुई चीज़ें, उन कोई जो है ये पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं, और बाकी भिवाणी में आप भी जो है घूमते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन कोई भी एक काम बताओ कि जो हमारे विधायक साहब ने ये कोई काम करवाया हो, कोई भी बताओ। तो इसलिए पब्लिक नाराज़ है, न किसी के घर जाते, मान लो किसी के जवान मोहता है जिसका कार्यकर्ता थे, उसके घर भी नहीं आते, और गाँव में आने की तो दूर की बात है। पब्लिक को आज क्या चाहिए? पब्लिक को ये चाहिए कि आज विधायक है वो घड़ा नहीं, तो 1 महीने में 2 महीने में 4 महीने में 1 राउंड अगर जब पब्लिक के बीच में आता है ना, तो उसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है भाई, दुख सुख के बारे में पूछ लेता है, काम कराओ या ना कराओ। तो ये आप कह रहे हैं घनश्याम श्राफ जो हैं आपके जो विधायक हैं, जो यहाँ नहीं आते हैं लोगों के बीच में, ये दूसरी तरफ उनके कामरेड ओम प्रकाश खड़े हैं, उनका कैसा रवैया है लोगों के बीच? ओम प्रकाश कामरेड का ये रवैया है जी, देखो किसान के साथ खड़े, 13 महीने हमारी टूल पे हमारे बीच में रही है। आज जो मजदूर तबका है उसकी सैलरी बढ़वाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, आंदोलन किए हैं, मास्टरों के साथ पिटाई की खाई है इन्होंने, मास्टरों के साथ जेल गए हैं, किसानों के साथ मतलब जो है ना खड़े रहे हैं, अरे ये आशा वर्कर के साथ खड़े रहे हैं,
ये जो मिड डे मील है इसके साथ खड़े रहे, जो भी कर्मचारी जिस आंदोलन में भी जो ने सरकार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई है वो एक कॉमरेड, मतलब तो ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। तो आप कह रहे हैं कि किसान मजदूर कमेरा वर्ग सबके, कमेरा वर्ग के सबके साझले उम्मीदवार और कर्मठ और ईमानदार आदमी। चलिए, पिछली बार कहाँ वोट करी थी आपने? पिछली बार बीजेपी की करी थी, पिछली बार बीजेपी की। बिल्कुल। इस बार लेकिन आप बहुत हताश लग रहे हैं, ये क्या बदलाव सिर्फ आप में है या गांव में बहुत लोगों नहीं? हमारे गांव में 70% है। अच्छा जी। आज जैसे मान लो 3000 वोट पोल होता है ना, 3000 में 1500 जोनों में कामरेड के बांधता हूँ और 1500 में ये दो तीन और रह जाते हैं। दो तीन मतलब बटेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सारा बीजेपी में? नहीं नहीं नहीं, सारा बीजेपी नहीं जाएगा। इंदू शर्मा जो है बीजेपी से ऊपर है। अच्छा, इंदू शर्मा जो आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी आज कितलाना में सेकंड है। कितलाना में सेकंड है? बिल्कुल। अच्छा, और तीसरे नंबर पर सराफ। तीसरे नंबर पर? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ या नहीं, यहाँ या नहीं, आप जहाँ भी पूरे मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में किसी गांव में जाओगे ना तो यही हाल है। इससे अलग कोई समीकरण नहीं है। आज एक छोटी ही बात लगाओ, मोदी जी लेके चलते हैं अग्निवीर, किसान मजदूर कमेरा वर्ग जो भी था, जिसका बच्चे ने मैट्रिक कर ली तो उसका माँ बाप ये सोचता था कि मेरे बेटे ने फौज में भर्ती करवा दी, और उसका बेटा फौज में भर्ती होकर अपने घर की रोजी रोटी चलाता था और उसका घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन आज क्या कर दिया, चार साल जाओ अपने घर आ जाओ, न तो वो बच्चा दूसरी नौकरी चेक पकड़ सकता न वो वहाँ रख सकता। फिर अग्निवीर के लिए जैसे मतलब पहले आर्मी की भर्ती के लिए यहाँ भी और हर जगह मतलब लोग बच्चे रेस लगाते थे, कसरत करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कहीं नहीं दिखते। जो बच्चे पहले प्रैक्टिस करते थे आज वो कहीं नहीं दिखेंगे अपने, क्यों? उनको पता चार साल के लिए हमने जाना नहीं है, सिस्टम बंद हो गया, तो वो उड़े के उड़े रुक गया। आप ये बताओ, जैसे ये करें कि भाई पाकिस्तान हमारे पर अटैक करने को खुश है, चाइना हमारे पर अटैक कर सकता है, उसको पता है जो चार साल के लिए जो बच्चा आएगा ना वो बॉर्डर पर गोली नहीं खाएगा, वो एक पेड़ की ओट में बैठा मिलेगा आपको, आपको पता होगा। और जिसको ये है ना वो तेरे को तो जो है ना पूरी सर्विस ही यहाँ करनी है, उसके लिए देश के लिए जो है ना उसका गर्व होता है, अगर मैं अपने सीने पर गोली खा के अपने भाईचारे में जाऊँ, इस तिरंगे में लेके लिपट के जो है ना मैं अपने गांव में जाऊँ, शहीद को आऊँ। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन वहीं जो सैनिक के लिए जो करना चाहिए था उल्टा ही चले गए, देशभक्ति कहीं खोखली है बीजेपी की तरफ से, ये जो है खोखले बातें हैं। ये इनको जो है ना अग्निवीर जो योजना है इसको मतलब बीजेपी को ये लेके बैठने का काम करेगी। आइए आपसे भी बात करते हैं, आपका नाम क्या हुआ जी? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी भी कर लें, हर काम भी कर रहे हैं कंपनी में। कंपनी में काम भी कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में? हाँ जी। तो ये बताइए फिर आपके लिए खेती बाड़ी में क्या आप भी किसान हैं, वही शिकायतें हैं इनकी, आपको लग रहा है सरकार ठीक थी? तो भाई साहब विजेंद्र ने बताया ना वो सारा सिस्टम ठीक है, हमारी दोनों का एक ही सोच है, कोई गलत नहीं है, आपकी एक ही सोच है। और हमने तीन बार लगातार मोदी को ही वोट दिया है। तो तीन बार लगातार वोट किया है तो इस बार लेकिन क्यों आपका रुझान, आप इसी इन्हीं कारणों से आपका रुझान बदल रहे हैं? जो हमने ऊपर का था वो बना दिया है, नीचे का जो सिस्टम है ना, हरियाणा सुधारना, घर सुधारना, अपना जिला सुधारना इंसान का फर्ज जो है। हमारा एक छोटा सा पुल था जो लोहारू ने पास करे है, दादरी ब्याणी ने पास करे है, जिसने तोड़ने में अन्न 6 महीने तोड़न में लगा दिए, तो बनाने में तो 3 साल लगेंगे, तो या बनागा कि नहीं बनागा या भी उम्मीद कौन, तो काम क्या कर रहा है आदमी, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम आपको नहीं लगता हुआ है। चलिए, आज आप बाजार में जाओ, खाद बीज की दुकान पर जाओ, सुबह सुबह जो सरकारी खाद बीज की दुकान है वहाँ जाइए, वहाँ लंबी लाइन मिलेगी आपको, लंबी लाइन मिलेगी, वो 20 आदमी को खाद देते हैं, दुकान बंद छुट्टी। और एक प्राइवेट दुकान पर आप जाइए, यूरिया के लिए जाइए, DAP के लिए, बीज के लिए जाइए, वहाँ आपको भरमार मिलेगी, जितना मर्जी ले लो। ये ऐसा क्यों? ऐसा कि जो सरकारी दुकान पर जो माल आता है ना वो प्राइवेट पर पहुंच जाता है, निजीकरण मतलब एक तरीके से कर रहे हैं, सरकार हाथ खींच रही है, बस ये बात है। दूसरा ये लोग तो खेती भी मतलब उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हाथ में। जैसे कि हम बीज लेने जाते हैं, हमने खाली गेहूं का बीज चाहिए, लेकिन उसके साथ में कुछ और सामान बेचते हैं अपना, दवाई भी, दवाई बेचो, फूट का सामान बेचो, कुछ भी बेचो जिसकी हमने जरूरत नहीं होती, लेकिन अन्न की अपनी ताकत के कारण या दुकानदार की ताकत कारण कुछ भी लगा लो, किसान ना मजबूरी के कारण वो भी साथ लेना पड़ता है 1000 रुपए का सामान, जबरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती है, समझो, नहीं तो उसको मेन सामान नहीं मिलेगा।
या कितनी मजबूरी है, हमने आधा सामान तो कुलड़ियों पर फेंकना पड़ता है, खेत में गेरा तो छोटा किसान को क्या पता कि वो क्या चीज़ है, उसकी मजबूरी हो जाएगी, फसल की विकास की बजाय जड़ नहीं जाएगी, क्या हमें पहली बार गेरा है, हमने पता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा, आप 13 महीने के आंदोलन में टोल पर जाते थे? कभी कभी जाते थे, टाइम लगता था। टोल पर जाते थे। आपका नाम क्या होगा जी? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप भी किसान? आपकी भी यही राय है? भाई ने बताई वही राय है। वही राय है। वोट के बारे में क्या कहना है? वोट भी बस यूं ही है, कामरेड का ही, कामरेड को ही वोट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ जो खिलाफ वोट करते हैं अगर सर बीजेपी के, तो जैसे कांग्रेस को लड़ते देते थे, लेकिन इस बार सिंबल है हसिया हथौड़ा, उनका जो सिंबल है कामरेड, उससे लोग परिचित हैं उस सिंबल से यहाँ? देखो, आज हर घर में वकील है, हर घर में थानेदार है, हर घर में मजिस्ट्रेट है, ठीक है। वो जो घर से वोट करने के लिए चलेगा ना, जो हर फैमिली को, हर बच्चे को ये बताएगा अक्सिम्बल ये है और अपनी स्वीप अब वोट, तो वो मतलब एक लोगों को चेतना है उस। बिल्कुल सब चेतना। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले वाला जो टाइम था बूढ़े बुजुर्गों का, उन ये पता नहीं था भाई किसका क्या निशान है। चलिए, कुछ नौजवान भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं, बहुत शांति से बैठे। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ जी आपका? चंद्रजीत शर्मा सर। चंद्रजीत, क्या करते हैं आप? बस खेती कर रहे हैं फिलहाल। बस खेती? खेती तो बहुत होती है काम बस। तो बताइए कैसे रहे आप, खेती करते हैं 10 साल, आपके लिए कैसे रहे सरकार में? देखो, सरकार तो वैसे अच्छी तो नहीं है, वैसे कुछ काम तो अच्छे भी किए हैं, वैसे मतलब वैसे ठीक भी है। अब फिलहाल मतलब बदलाव चाहते हैं, ऐसे सरकार में थोड़ा वो डिफरेंस है ना, अगली सरकार आगे अच्छा काम करे, कुछ ना कुछ अच्छा मिलने को होगा ऐसे। तो क्यों बदलाव चाह रहे हैं आप इस बार? देखो, रोजगार नहीं मिल रहा है ऐसे, ये सीटी लगा दिया फलाना करते, ये पहले नहीं थे, नौकरी तो पहले भी मिले कर। तो ये नौजवानों का एक बड़ा सवाल है, ये जो सरकारी भर्तियां कितनी खुल रही हैं वैसे हरियाणा में 10 सालों में पहले के मुकाबले? देखो, नौकरी तो काफी निकाली इनको वैसे तो, पर ये सारी सीटी लगाने के बाद ऐसे लंबा टाइम लगा दिया। कुछ भर्ती होली वैसे कुछ चल रही है, इससे मतलब ज्यादा पब्लिक प्रभावित हुई हुई इस चीज से। तो आप कहाँ वोट करने की सोच रहे हैं? देखो, हम तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे वैसे, विपक्ष को वोट करेंगे। किसको? अलग से वोट करेंगे ना, बीजेपी को छोड़ के। चलिए, बीजेपी के अलावा यहाँ दो पार्टियाँ मुख्य रूप से जो अभी दिख रही हैं, एक है कामरेड अपने ओम प्रकाश, और एक है अपनी इंदु शर्मा आम आदमी पार्टी से, आप किधर जाने की सोच रहे हैं? ये तो देखो, सोच समझ के वोट डालेंगे ना, कौन सा अच्छा कौन सा अंकल है। तो इंदु शर्मा कह रहे हैं आपके लिए लोग क्या ना, वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वोट हम दे देंगे, अच्छा लगेगा कैंडिडेट हो उसके हिसाब से हम वोट देंगे। अच्छा, अभी मन नहीं बनाया? ना, अभी मन नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे? ना, बीजेपी को नहीं देंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या हो जी? मेरा नाम शकील है। शकील, क्या करते हो? कुछ नहीं, घर का इधर काम करते हैं, मजदूरी। मजदूरी करते हो आप? मजदूरी करते हो, किस तरह का रवैया सरकार का लगा है मजदूरों के प्रति? ये जी कि हमारी मजदूरी तो कोई नहीं सुन रहा, ये आते नहीं, मन जाते हैं, एक बार आते हैं इलेक्शना में, फिर बाद में आते नहीं। और वैसे आप जो कह रहे हो मजदूरों की नहीं सुनी जा रही, महंगाई वगैरह से कितनी दिक्कत हुई? महंगाई ज्यादा कर दी, सिलेंडर 1200 का कर दिया, और महंगाई सब कुछ समय कर दी, गरीब तबका सब तंग पा रहा है। तो एक मिनट, चुनाव आ रहे? ठीक सब भाई। हाँ जी, क्या किसान हैं आप? किसान के मजदूर साम दो। मजदूर हैं? हाँ। कैसे रहे हैं सरकार के 10 साल मजदूरों के लिए? भाई, हम तो छिक रहे साई सरकार से। छिक रहे हो सरकार से? तो कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस का। कांग्रेस का? तो इधर तो कामरेड ओम प्रकाश है गठबंधन में। कामरेड के? कामरेड के कर रहे हो? हाँ। क्या नाम होता है अपना? कश्मीर। कश्मीर जी, ठीक है कश्मीर जी, धन्यवाद जी। साहब, आपका नाम क्या हुआ? भरपूर। भरपूर जी, क्या करते हैं आप? जमींदार। जमींदार हैं? कितनी खेती है अपने पास? एक किला। एक किला। कैसे रहे हैं जी 10 साल आपके लिए सरकार? 10 साल कुछ नहीं रहे भाई, सोया रहा 10 साल, आए नहीं अपना गंजाम शराफ नहीं आया? कभी भी नहीं, गांव आए नहीं। अच्छा, एक बात और भी है सर, एक बार आओ है उसके बाद आता ही नहीं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता, मरो हो जियो, जवानी खत्म होगी भाई। राम राम। ताऊ? राम राम जी, क्या करे हो ताऊ? भाई, खेती बाड़ी कर रहा हूँ। खेती बाड़ी कर रहे हो? 10 साल कैसे रहे हैं सरकार के किसान? किसे भी कौन रहे हमारे तो? हाँ जी, किसे भी कौन रहे, हालात बिगाड़ दिए मोदी ने भाई। आप किसान आंदोलन में थे? हाँ, किसान आंदोलन में था मैं।
तो कितना असर होगा इस बार किसान आंदोलन का? असर तो घना हो रहा भाई। नाराजगी है बीबी सरकार से? हाँ, बीजेपी तो बिल्कुल नाराजगी है। तो फिर कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? वोट कांग्रेस के भाई। कांग्रेस तो यहाँ से खड़ी नहीं, वैसे तो उनका गठबंधन है। गठबंधन है यहाँ से खड़ा है कांग्रेस के भाई, एक कामरेड है ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश कामरेड। वो कैसा बंदा है? बढ़िया है भाई, बढ़िया। हाँ, अच्छा। यहाँ टोल प्लाजे पर वो करते थे, आप भी जाते थे? हाँ, खूब मेहनत कर रहा था टोल प्लाजे। आप जाते थे टोल प्लाजे? हाँ, टोल पर जाते थे, दिल्ली भी जाते थे हम। टिकरी बॉर्डर? टिकरी बॉर्डर पर हरेक जगह बॉर्डर पर गए। बहुत दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हुई, लाठी भी खाई और सुगेश के गोले भी। तो ये सरकार थोड़ी है, ये तो बेहुदी सरकार है। बाकी ये कह रहे कि हम तो किसान सम्मान निधि देते हैं किसान को, महीने के 500 रुपये, 4 महीने में 2000 रुपये। ये दे कुछ भी ना देता, झूठा चल रहा फिर चोर। नहीं मिलती आपको? बाजी कर रही है। ठीक है, क्या नाम हुआ अपना? तो मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, तो घर में पिछली बार कहाँ वोट करी थी? पिछली बार भी कांग्रेस की करी थी। कांग्रेस की करी थी? हाँ। तो इस बार कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से? घनश्याम शराफ 3 बार तो जीत गया यहाँ से। यहाँ से तो इनका ओम प्रकाश कामरेड जीतेगा भाई यहाँ से तो। अच्छा, उनका आपको उम्मीद है जीत पाए? हाँ, और घनश्याम की तो नींद कौन लग रही सुत्या पड़ा है। हाँ जी साहब, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हमारी बातें सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। नाम क्या हुआ? सुनील। सुनील है। सुनील, सुनील क्या करते हो? मजदूरी कर। मजदूरी करते हो? कैसे रहे हैं जी 5 साल मजदूरों के लिए, 10 साल? किम्मे नहीं किया कुछ? ये तो कहते थे कि मैं चाय वाला हूँ, गरीब का बेटा हूँ, मजदूरों का दुख समझता हूँ। नहीं समझे? कौन समझे? नहीं समझे। महंगाई से परेशानी ज़्यादा हो रही किससे? महंगाई था। महंगाई से कहाँ वोट करने की सोच रहे हो इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस का? हाँ, ताई आप कांग्रेस को कर रहे हैं इस बार? हाँ, कांग्रेस में वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ताई? क्योंकि बीजेपी ने किसी की सुनी तो कौन नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार इतने तंग हो रही है कि हर एक चीज में महंगाई कर रखी से, किसी की भी कौन सुनी? कदे धरना दरिया है असावर करना, कदे उनकी सुनी ने बोले तनख्वाह इतनी बढ़ा दी, कदे तनख्वाह बढ़ाई ने, कदे उनका दुख सुख सुना ना, कदे उनका साथ आया ना। हर एक चीज में महंगाई बोले 400 का सिलेंडर कर दिया, सिलेंडर 1200 का भरा। हर एक चीज में महंगाई है करिया के बीजेपी ने? भिवानी में इतने खड़े है, जे चलन लाग जाए तो टक्कर लाग लाग पड़ी जाओ लोग। कांग्रेस के वोट देंगे बिगाड़, कांग्रेस की सरकार आओगी? पहले के बीजेपी के दिए थे, करिया के इसने? कोई दुख सुख का साथ नहीं, कुछ और नहीं। एक बार चुनाव में प्रचार करने के लिए तो आते हैं, फिर कभी नहीं आते। कभी जीत के आया तो कभी बधाई देने भी नहीं आया, भाई इन लोगों ने हमारा इतना सुना, इतना किया, मेरा धन्यवाद देने भी नहीं, धन्यवाद देने कभी नहीं आया घनश्याम शराफ जी। दो बार खट्टर के वोट दिए बीजेपी, बनी खूब तन मन वोट दिए थे, लेकिन काम ना खराब कितने बंदे वोट। किसानों का क्या करया? किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। किसानों के जब बीज देता है तो सस्ता कर देता, लेता है तो उससे महंगा बोला जमा मिट्टी का भाव लेता उनका अनाज। आपको और कितनी दिक्कत हुई है जिससे आप कह रहे हो घर की सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ये सब हो गया? चीजों के दाम बढ़ा रखे जी। आप भी किसान आंदोलन पर जाते थे? हाँ, मैं गई थी जी। गए थे कहाँ? यहाँ बॉर्डर गए थे या टोल पर गए थे? टिकरी बॉर्डर पर भी गए थे जी, टोल प्लाजा कितलाना में भी गए थे। अच्छा, गए थे आप जी। तो उसका गुस्सा है किसान आंदोलन का? अभी भी गुस्सा तो है जी। दीदी तनी दुराव्यवहार करे, सुगा इसके गोले छोड़े, किसाना को ऊपर लाठी चार्ज करी, तो दुख तो है जी इस बात का। इसमें कई आशा बहना भी शहीद हुई से, कई किसान भी शहीद हुए से, तो गुस्सा तो है जी उसका। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि इस बार ये घनश्याम जीतेगा फिर से, हारेगा? नहीं जीतेगा जी, हारेगा। पिछली बार कहाँ वोट करी थी? बीजेपी की। पिछली बार बीजेपी करी? हाँ जी, पिछली बार। इस बार नहीं करूँगी? नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। अच्छा, कितना गुस्सा हो गया? हाँ, बीजेपी का कदे भी वोट कौन दिया? करा के है जी, कदे भी आड़ कितलाना जीत के आ, कदे बधाई देन भी कोनी आज, एक दिन भी कोनी आज जी। अच्छा, ये अपने गांव की जो बाकी औरतें हैं आपकी तरह, वो कहाँ जा रही हैं आपको मालूम है? मालूम है, ज्यादातर ओम प्रकाश कॉमरेड की वोट देंगे। ओम प्रकाश कॉमरेड? आप मिले हो कभी उनसे? किन से? ओम प्रकाश कॉमरेड? ओम प्रकाश कॉमरेड से मैं टोल प्लाजा भी मिली हूँ जी, मैं एक आशा वर्कर हूँ,
भिवानी भी मिली हूँ जी, बहुत बार मिली हूँ। चलिए एक चीज़ बताइए, आप किसान आंदोलन में गए थे, बहुत सारी औरतें गई थी हरियाणा से, है ना, पहले इतना नहीं निकलती थी घरों से औरतें, कैसा रहा आपका अनुभव किसान आंदोलन में? बहुत अच्छा अनुभव रहा, किसानों से हमें उम्मीद मिली है, हमें उनसे भाई अच्छी एक नेक भावना भी मिली है। जैसे भाई ओम प्रकाश कॉमरेड हमारे साथ थे, इन्होंने भी अच्छा एक विचार दिया है भाई, गरीब गरीब का साथ देना चाहिए और किसानों का भी साथ देना चाहिए। चलिए एक लेफ्ट सीट है यहाँ पर और उसमें ओम प्रकाश कॉमरेड हैं, ताई भी कह रही हैं कि वो उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है इस तरफ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हमें यहाँ मिले हैं और उससे भी बात करेंगे। राम राम जीता, राम राम जीता, क्या नाम हुआ अपना? मेरा तो उमेद अली है। उमेद साहब क्या करते हैं आप? मैं क्या करो, देखो उरा तो कांग्रेस का ही जोर है। अच्छा। वैसे हाँ कांग्रेस का जोर, या इस बार यहाँ तो खैर वो सारे हैं, थोड़े बहुत सारे लेंगे। हाँ जी, वोट आ रहे हैं गाँव में लेते हैं ये। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का जोर है? दो तीन बार से तो यहाँ घनश्याम श्रॉफ ही जीत रहे हैं और हाँ जीत रहे हैं, लेकिन उरे ये ओम प्रकाश जो है ये पूरा जानकार टूल को पर कई एक साल से भी नहीं रहा है उरे, ये जो किसान आंदोलन के हाँ, तो इस कारण इसकी सारे गांव में जान पहचान हो रही है, इसलिए इसका तो मतलब एक जुझारू किस्म से ये काम करते रहे हैं। हाँ ठीक है पूरा, इसलिए सारे गांव में जान पहचान है इसकी, इसलिए। चलिए आपसे भी बात करते हैं, आइए। राम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा सीताराम नाम। हाँ जी सीताराम। सीताराम जी आप क्या करते हैं? सीताराम जी न्यूगा बीजेपी की घेर देंगे। हाँ जी आप बीजेपी की घेरते हैं, क्या करते हैं आप वैसे? कपड़ा बेचारों का हूँ, दिहाड़ी दूड़ी कर लिया। दिहाड़ी नौकरी करें? दिहाड़ी नौकरी कटा करूँ, दिहाड़ी करूँ। दिहाड़ी करते हैं, कपड़ा बेचे हैं। तो ये बताइए फिर, आप कपड़ा बेचते हैं, दिहाड़ी करते हैं, 5 साल 10 साल यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है, कैसा उनका काम रहा है, खासकर कि आप जैसे मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कैसा काम रहा है? हमारे लिए ये ठीक थी। कैसे ठीक थी? ये बीजेपी क्यों ठीक लगी आपको, क्या आपको अच्छा लगा? महंगाई या बाकी चीज़ें, या क्या पेंशन मिल रही है, या कुछ मजदूरों के लिए? पेंशन भी मिली है, सारा अनाज खान ने दिया से, तेल दिया से, सब कम कर राशन आपको। हाँ और क्या, वो बूढ़ लेने का देखे हमारा बोरी गिर गए, बोरी गिरी थी बड़ी बड़ी। अच्छा अच्छा, इनको किसे घेरो? हाँ कांग्रेस के भी से, बीजेपी के से हैं, वोट तो सारे ही। ठीक है जी, आपका नाम क्या हुआ साहब? मेरा कृष्ण है जी। कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण जी मैं जी लोहे का काम करूँ। हाँ जी लोहे का काम करूँ। लोहे का काम। हाँ जी, तो ये बताइए फिर, मजदूरी का काम कर रहे हैं आप यहाँ, कैसे रहे हैं 10 साल भाजपा की सरकार रही है यहाँ, मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं? मजदूर हतर तो किमें कौन थी इसमें, मजदूर हतर तो महंगाई महंगाई है, महंगाई बता दो। हाँ हर एक चीज में महंगाई है, हम लोग वाले हाँ, इसमें भी जीएसटी कितने लाग है, कितने किमे लाग है, हर एक चीज में मतलब महंगाई है। तो मतलब ये कांग्रेस का जोर दिखा हमने तो इस बार, कांग्रेस का जोर। हाँ एक बार तो दिखावा ही नहीं, पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार तो भाजपा ने दिए है। हाँ लेकिन महंगाई से बहुत परेशान है। हाँ परेशान है सब। हाँ जी, तो ये बताओ कि ये जैसे कह रहे हैं कि ये भी मजदूरी करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अनाज मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। हमारा तो को अनाज मिलता जी, हमने तो को कार्ड ना हमारा पता नहीं, हमारे तो मिलने कार्ड है। अच्छा हमने तो दो काम पड़ा है, इसमें 70 डॉलर की टैक्स लगन लगी, विरोध तक चले हुआ। हाँ तो 6 जगह मतलब टैक्स देने पड़े, किते किसी चीज़ का टैक्स, कुछ GST लागी, रोड टैक्स अलग है, तो मतलब हमारे तो कोई फायदे वाली बात सर नहीं। तो आप महंगाई से परेशान हो? क्यों महंगाई तो परेशान है, हर एक चीज़ में महंगाई दे रखी है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार नाम है जी। नरेश जी क्या करते हैं आप? जी मैं तो अभी कुछ नहीं करता, लग के चोट लग रही है खाली। अच्छा क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया, वैसे क्या करते थे? सिलाई का काम करता था जी। सिलाई का काम करते थे। आपकी भी दिहाड़ी ही है एक तरीके से? दिहाड़ी मजदूरी। तो आप बताइए, आपका जो एक छोटा व्यापार है, दिहाड़ी का काम करते हैं, कैसी रही है ये सरकार आपके लिए? ये सरकार बेकार है, ये जाएगी, कांग्रेस आएगी। काम कुछ नहीं यार, यहाँ पर तो विधायक बनते हैं वो कुछ काम ही नहीं करते।
या नाराज शिष्ट लोग। तो आप तो लेकिन बीजेपी को ही वोट करने की फिर भी बात कर रहे हैं, आप इंजाम से तो नाराज लग रहे हैं लेकिन। मेरा बड़ा मोदी का मारे के रहा वोट है, मोदी को डाल रहे हैं वोट। काम तो ये ना, आप वोट दे दिया बीजेपी को, मोदी थोड़ी काम करवाएगा। काम तो यहाँ पर विधायक करवाया, विधायक काम करता ही नहीं है। विधायक अपने 15 साल हो गए, 15 साल में अगर 15 काम गिना दिया मान जाएंगे उसको। तो अपने विधायक से ज़्यादा नाराजगी है, सरकार से ज़्यादा नाराजगी है, दोनों ही है। ऐसे सरकार के भी नाराजगी है, विधायक से भी नाराजगी है, बीजेपी से ही नाराजगी है। आपको किस से ज़्यादा नाराजगी है? आपको घनश्याम से ही ज़्यादा नाराजगी है, सरकार से भी? घनश्याम तो घनी नाराजगी है। घनश्याम तो हमने मतलब वो दिखाइए कौन दे। हाँ वो तो कहते हैं मर जाए मत पढ़ो, वो दिखाइए कौन, वो तो दिखाइए कौन दे। घनश्याम तो घने चिड़ा है जीवरे, तो सब लोग हरेक लोग चिड़ा है भाई। और संभाला कौन नहीं गम्मा ना बात याद है, गम्मा मरे जी ने संभाला कौन नहीं बात याद है। घनश्याम जो किसान को नहीं उनको मरे ने संभालने को जी ने संभाला, इसमें क्या कमी, सुख दुख में नहीं साथ आते हैं। बड़ी बात बोल रही है कि यहाँ पर पार्टी से चाहे बाकी सब तो बीजेपी के खिलाफ बात करने वोट करने की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी को तब वोट भी कर रहे हैं वो भी यहाँ के विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं कि वो सुख दुख में नहीं साथ आते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, बात हो जाएगी जी थोड़ी। हाँ जी नमस्कार जी, चुनाव के बारे में पता करते हुए आए हैं आपके गाँव। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बैठे रहो जी, मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ जी, क्या नाम हुआ था वो अपना? मेरा नाम दिलावर। हाँ जी दिलावर। दिलावर जी क्या कर रहे हो? हम जमींदारा कर रहे हैं। जमींदारा कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ खेती कितनी है अपने पास? 1.5 किल्ला। 1.5 किल्ला, तो आपकी छोटी ज़मीन है, कैसे रहे हैं 10 साल ये सरकार के किसानों के लिए? भाई ठीक कर रही है यार, सही है, काम चला है सरकार ने, ठीक काम चला है, मुआवजा मिला है भाई, सारी चीज़ दे सकला जो। कौन सा मुआवजा मिला? बारिश का भी मिला जो फसल बर्बाद हुई थी, बर्बाद हुआ उसके मिला है, सूखा मिला है, हल्ला मिला है, ओले पड़े थे उसके मिले थे। ठीक है ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, एक तो श्राफ जी हैं जो पिछली घनश्याम श्राफ बीजेपी से, और एक आपके यहाँ पर कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, तो किधर जाने की सोच रहे हैं इस बार? भाई देखो ही माहौल किस पर बढ़ेगा है, देखो हम तो ये कहा था बीजेपी के श्राफ ने 15 साल हो गए बैठे ने, कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप तो अभी कह रहे थे सरकार बड़ी अच्छी है, फिर तो कोई नहीं करता सरकार, सीएम तो देश है। अच्छा। वो तो यूके देश है। अच्छा। गलत बता, सही बात है, सीएम दे, सीएम ने दिया ये मुआवजा, जिसने के दिया था, ये काम नहीं करता, ये कुछ भी ना करता, कुछ नहीं करता, कुछ भी ना करता। ये बूढ़े चले जाता बाढ़ खेल करवाए कर हमारा पीला भाई किसी पैसे को चवन नहीं ना देता, पीपड़ 1500 पीपड़ बैठा रखे, हम तो ये कहा ना भाई, इसने सैनी दिया सारा मुआवजा, सारा सौदा सैनी दे दी, खट्टर भी नहीं दिया, खट्टर नहीं दिया, कद मुआवजा इसने, खट्टर भी नहीं देता, ये नहीं देता, इसने दिया है। और ये जो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, दूसरे जो विधायक हैं, ये कैसे है उम्मीदवार है? वो उम्मीदवार एक नंबर का छुड़ जोड़ आदमी है ये। अच्छा हाँ, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, क्यों बढ़िया लगा है? क्यों बढ़िया लगा? बढ़िया नहीं लगा, हमारा टूल पर 13 महीने बैठे थे किसान आंदोलन, किसान बैठे थे ना, सारी बात सोच समझ के कर दाई, हजार गरीब की सेवा करा खूब, लेकिन छुड़ जोड़ आदमी हम तो ये कहा ये बात। तो कहाँ वोट देने की सोच रहे हैं फिर? कामरेड, वोट कामरेड के देंगे, कामरेड के, कामरेड के। तो आपका क्या नाम हुआ जी? कृष्ण। हाँ कृष्ण। कृष्ण क्या कर रहे हो जी? कृष्ण जी हम तो अपने भट्ठा भट्ठा कर रहे हैं जी। भट्ठा? हाँ भट्ठा काम कर रहे हैं, भट्ठा है अपना, ईंट भट्टे में मजदूरी मजदूरी कर रहे हैं आप। तो ये बताओ ये 10 साल इस सरकार के मजदूरों के लिए कैसे रहे? ठीक कर रहे हैं, ऐसे मजदूरों तो कोई सुनाई ना है बस, ना इनका कोई अध्यक्ष, ना कोई इनकी यूनियन, ना कोई इनका भावमंत्र, इनका तो ऐसा ही रही जा है बस। तो बट्टा मजदूरों की कोई इधर मतलब उस तरह से आवाज़ नहीं उठती है ना? ये वाक्य कोई पार्टी आओगी जब देखा है कैसा मतलब कोई करे है ना करे। जी आपका नाम साहब? मेरा विजेंद्र जी। विजेंद्र जी क्या कर रहे हो? मेरा जी ये छोटी दुकान है, कपड़े दुकान की। है आपकी कपड़े की? वैसे पहले मैं फेरी किया करता था, फेरी करते थे, फिर डिस्क प्रॉब्लम हो गया, वो बंद हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा उधार वगैरह उठा करके ये लगाया। कितने साल हो गए दुकान लगा? इसको जी 1.25 साल हो गया लगभग। 1.25 साल। तो ये बताइए जी, आप पहले फेरी करते थे, अब अपनी दुकान लगाई है 1.25 साल, आप जैसे जो व्यापारी छोटे व्यापारी हैं, छोटी दुकान है आपकी, पहले फेरी भी करते थे, कैसे रहे हैं आपके लिए 10 साल जी? अपने साल वो
अंधे के लिए जैसे हर एक महीना सावन होता है ना, अपने तो वही होते हैं लगभग सभी सावन होते हैं, क्योंकि खुद करना पड़ता है सब कुछ, किसी पर आश्रित नहीं होते। आश्रित होते हैं तो काम नहीं बनते, नहीं चाहे कौन सी गवर्नमेंट हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे एनी कोई भी। हाँ, कोई पॉलिसी निकली हो, कुछ ऐसी नीति हो जिससे आपके जैसे जो छोटे व्यापार हैं कोई मदद हो उसमें, या नहीं हुई? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, हम किसी के बारे में बिना जानकारी कुछ नहीं कह सकते, बुरा भला नहीं कह सकते हम किसी के लिए। बाकी चलो चीज़ों पर बात करते हैं, क्या महंगाई का असर रहा है, क्या उसकी दिक्कतें रही हैं? या देखो, शायद हम नहीं हुए थे, पिताजी अर थे, उसके बाद दादाजी अर थे, भाई ये क्या करते, महंगाई महंगाई तो ये तो समय बदलता रहेगा, सरकारें बदलती रहे, लेकिन चीज़ की जो पैदावार है वो कम होती जा रही है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जी स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी, इसमें सरकारों की शायद कोई कमी नहीं होती होगी। नहीं, लेकिन जैसे गैस के सिलेंडर के दाम बहुत बड़े हैं, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं जिससे, वे तो देखो जितनी खपत बढ़गी तो दाम तो बढ़ेंगे, मोल बनाई जा हुआ चीज। खपत एक्चुअली बढ़ने से, जब आपका ग्राहक बढ़ते हैं तो उससे कई बार दाम कम भी हो जाते हैं। अरे जो चीज कोई लिमिट की है, जो पैदा करी जाए है एनीवे, तो उस पर तो महंगाई बनेगी। आज अगर फसल कपास की कम होगी तो उसका रेट देख लियो आप, शिखर में पाओगा, सीधी सी बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन इस बार तो खपत जब बढ़ जाती है तो कई बार रेट कम भी होते हैं, तो उस हिसाब से तो कम भी हो जाने चाहिए, तो हो जाने चाहिए, लेकिन हुए नहीं। फिर हमारी खपत तो नहीं बढ़ती ना, ऐसी मैं कह रहा हूं। और बात है, किसान आदमी है जिन्होंने लगा लियो, ये ज्यादातर है, ये बाजरे का चल गया तो बाजरे का ये तो सही है, अभी गवर्नमेंट ने फिक्स रेट कर दिया, इसमें थोड़ा सांस आ जाओ है ना, तो पहले बाजरे पाउंदा कोई ओटनिया नहीं पा करदा, भाई औरत ले जा, भाई 1500 ले जा, 1200 ले जा, ये सिस्टम रहा करदा। ठीक, अगर देखो नकारात्मक सोचे तो बहुत कमियां होती है, अगर सकारात्मक सोच की चले तो देखो जी, आज एक गरीब आदमी है, उसका ऑपरेशन होना पड़ता है किसी हार्ट का, किसी और चीज़ का, आयुष्मान कार्ड द्वारा उसको बहुत सहायता मिल जाती है, तो आप कह रहे हो आयुष्मान से मकान भी बिक जाए, उसका सब में बिक जाए, वो पड़ोसियों से भी उधार लेके छिक जाए, उसका कर्जा नहीं उतरेगा सारी उम्र। देखो तो सरकारी अस्पतालों में कुछ सुधार आया है या आयुष्मान में ही की वजह से मदद मिली? सरकारी में भी वैसे मदद मिल जाती है, अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और ऐसे कह देते हैं भाई GST लगा दी, फलाना होगा, तकड़ा होगा, यानी वो भी हमारे देश में काम आओ, कोई बाहर तो ले जाता कौन उसको। तो आप बताइए क्या लग रहा है फिर, किधर आप वोट करना चाह रहे हैं? मैं तो बातों से तो स्पष्ट है, बट फिर भी हाँ, मैं देखो बेवाक बात करता हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता। लोकतंत्र में सबको, मैं तो अपना देश या अपना हित सोचूंगा ना, तो मैं अपना बीजेपी को वोट दूंगा। आप बीजेपी को वोट? हाँ, ठीक है, क्यों, मैं देश सर्वोपरि है अपने खातिर, सब मेरी दुकान से ज्यादा अपने देश प्रिय है, मेरे देश की सुरक्षा लगभग शायद बीजेपी में मैंने कुछ देखने को मिला जो अपने देश के लिए बढ़िया है। अभी कितलाना गांव में, अभी हम यहाँ मुख्य रूप से दलित समाज के ज़्यादा लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं जहाँ पर हम अभी हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम समीर। समीर जी, समीर जी ये बताइए, अभी चुनाव आ रहे, क्या करते हैं आप? मैं तो दुकान ला रहे, कर रही छोटी दुकान लाई है, तो ये बताओ यहाँ जो लोग मजदूरी कर रहे हैं आपकी तरह छोटी सी दुकान चला रहे, ये 10 साल इनकी सरकार के रही है भाजपा की, जिदे बदलेंगे और ना तो कम कर की कौन दिन दे बदलेंगे, बदलेंगे क्यों? मतलब आप लोगों के लिए जो यहाँ मजदूरी कर रहे लोग या छोटी ऐसी दुकान चला रहे, आप लोग के लिए कैसे, किसी का भी नहीं काम चल रहा, दुखी हो रहे हैं सारे, महंगाई से दुखी, महंगाई से दुखी हो रहे हैं, डैडी से भी को नहीं, गम्मा में भी को रही ना, पहले गम्मा में तो थी, गम्मा रे भी मारा थी इसी जमीन से, सारे मजदूर हो रहे थे, जाट भी मजदूर हो रहे थे, बात यह है। और नौकरी वगैरह नहीं खुल रही कुछ बालकों की इधर? खर भगवान की दाद, मेरा पास दो टापर दोनों लाग रहे हैं, लग रहे हैं दोनों, एक मास्टर लाग रहा है कि बीजेपी नहीं ला नहीं हो इसमें, अच्छा तो लगी आपके घर पे, लगी ग्रुप डी में, ग्रुप डी में लगी है, लेकिन क्या नाराजगी आपकी किस बात से है फिर? नाराजगी किस बात जी? तो भाई नंबर लेगा वो लग गया से, नू तो सह कौन नंबर मन करे कांग्रेस में लेंगे तो वह भी लग गएंगे, बट वैसे ज्यादा नौकरियां उसके अलावा नहीं खुल रही कुछ खास, इनका बाबा फिर जी से प्लाट मिल रहे, प्लाटा का नाम लिया ना तो प्लाट मिल रहे ना, कूड़ा गिरने जगह बताओ, तंग पा रहे हैं सब, ठीक है
कोई कूड़ा गिरने जगह नहीं, कोई लकड़ी नहीं जगह कोई नहीं, बताओ फिर रास्ते ये कोई नहीं, ये सड़क बेसक तो घूम जाओ, सड़क है ना तो नशम दमा रहा है कितना में तो कुछ नहीं है, देख सारा सोता वो है छोटी छोटी इनमें गुरगुलिया में दो दो तीन तीन रहे सिर्फ करा दी, ये भी इसमें भी तीन जने रहे ऊपर नीचे, इसमें चार जने रहे ऊपर नीचे, बता क्या कर ले। तो कहाँ इस बार आप क्या सोच रहे हैं, इस बार आपके यहाँ से एक तो घनश्याम श्राफ हैं, एक कामरेड ओम प्रकाश हैं, दूसरी तरफ देखो भगवान की दया थी बनाओ इसे नगे किसको सरकार ने सरकार बदलनी बदलेगी सरकार मुश्किल है बदलनी क्यों मुश्किल है क्यों बैठा है बनागा वो तो तू देख लिए घनश्याम बनना है। अच्छा लेकिन आप तो नाराज लग रहे हैं उनसे। नाराज हाँ फिर भी घनश्याम बनना है। आप वोट कहाँ करेंगे के? मैं तो घनश्याम का दूंगा। अभी आप इतनी नाराजगी दिखा रहे हो वोट उधर ही कर रहे हैं लेकिन तो घनश्याम का देंगे। चलिए आप फिर किधर आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस गठबंधन की तरह देखो हमने तो कांग्रेस का नहीं देख रखा वो गिर लग गए किसके कर्म खेचे ना मुश्किल से घनश्याम मुश्किल से मुश्किल लग रहे आपको ले बना का तो भाई वो उसके कर्म को नहीं और कोशिश तो कर भाई पार्टी बदलने की 10 साल हो गए दोस्त की 15 साल हो गए इन्हें बन दिया रही इनका 34 साल ना 20 साल हो जाएंगे इनको और बन गया तो। चलिए नौजवान भी एक है आपका नाम क्या हुआ भाई परमजीत। परमजीत क्या करते हो? मैं तो थाली रहता हूँ। थाली रहते हो क्यों रोजगार नहीं लगा? इन्होंने तो कहा था कि 10 साल के 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी। कित लाख गई थी 2 करोड़। अच्छा कितना पढ़े हो? मैं तो 10वीं में ना करी मैंने। 10वीं में कर रहे हो और अभी कहीं काम नहीं लग रहा? ना काम घूम कितने को ना कर। नौजवानों के लिए कैसे रहे 10 साल सरकार के? कम में कौन रहे भाई ये पढ़ ओढ़े बियाड़े हंडा गाड़ा बिना पढ़ नहीं आई डाल। अच्छा कहाँ वोट देने की सोच रहे हो इस बार? वोट तो घेरा है भीतर जाए घेरा पाटा कित घेरा है। जी राम राम जी जी 2 मिनट बात करनी थी ये चुनाव के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं जी। मैं ये आपके यहाँ तो इस बार घनश्याम श्राफ जी भाजपा से और कामरेड ओम प्रकाश CPM से कांग्रेस के साथ गठबंधन में थोड़ा सा समझना चाह रहे थे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या आप लोग सोच रहे हैं, किसान क्या सोच रहा है? भाई ओम प्रकाश कामरेड आगे लग रहा है इस काम से। अच्छा हाँ पूरा बहुमत है मतलब ज्यादा वोट है। कॉमरेड ओम प्रकाश की तरफ रुझान क्यों है? क्योंकि किसान आंदोलन में भी वो जो जरूर किसान आंदोलन में साथ रहा है और हर गरीब के लिए मदद करी है उसने, किसाना के लिए मदद करी है और हर आदमी का मतलब साथ दिया है उसने, कोई भी काम पड़ा तो आगे पाया है, इसलिए हम उसके साथ तकरीबन काम है। तो ये बताइए कि आप तो किसान हैं? मैं तो किसान को नहीं। अच्छा मैं तो लुहार हूँ। आप लुहार हैं? हाँ ठीक है। तो ये बताइए कि 10 साल इनकी जो सरकार रही है मजदूरों के लिए किसानों के लिए कैसी रही है, इसका क्या रवैया रहा? भाई कम में कोई नहीं, सारे लोग परेशान हो रहे थे। हाँ बहुत परेशान हो लिए 10 साल में कति परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि कॉमरेड ओम प्रकाश मजदूरों की किसानों की आवाज़ उठाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल जी पूरी आवाज़ उठाएंगे और भिवाणी में काम कराएगा तो ओम प्रकाश कामरेड ही कराएगा, इससे बढ़िया नेता है नहीं कोई। पिछली बार कहाँ वोट किया था आपने? हम ही ने। हाँ जी हम ही BJP के घेरे थे जितना तो वो रहे हैं। मतलब इस बार तख्ता पलट करने वाले? हाँ तख्ता पलट बहुत देख लिया, कई बार मना लिया, आगे को चालन कर दे भी। ठीक है तब आपका नाम? रणधीर। आप किसान? हाँ जी। हाँ जी जमींदार खेती कर रहा हूँ। कितनी है जमीन अपने पास? जमीन 6 किले। 6 किले 10 साल हो गए हैं आपके यहाँ तो, राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर केंद्र में मोदी की सरकार थी, दोनों जगह भाजपा थी। आप किसानों का कैसा यहाँ पर उनके साथ अनुभव रहा है? अनुभव ठीक के रहा है। अच्छा जी। हाँ कोई ज्यादा गलत वाली बात नहीं है, वैसे लोग चाहे कुछ को ये जो पैसे दिए ये भी ठीक है, खाद की जी से। हाँ सिर्फ इतना है भैया कट्टे जो दी है ना तो ये जबरदस्ती एक दवाई साथ ला रही, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या बीमारी है? दवाई जबरदस्ती खरीदनी पड़ेगी? हाँ दवाई जबरदस्ती कट्टा देंगे भाई, वह दवाई साथ लेनी पड़ेगी। अच्छा
या जबरदस्ती है। उससे कितनी दिक्कत हो रही है? उसमें दिक्कत यह है जिस आदमी के पास मान लो एक कट्टे के पैसे से और दूसरे कट्टे के पैसे नहीं तो वो दवाई के 500 रुपये और कट देगा, तो मजबूर अगर वो दवाई का नहीं लेगा तो कट्टा को नहीं मिला, कट्टा नहीं लेगा तो फसल किस तरह होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार आप इधर यहाँ घनश्याम हैं और दूसरी तरफ शराब को लगकर घनश्याम दास है, ये तो कर्म का बलि है, ये तो बैठा बैठा ही बनेगा ये तो, क्यों चौथा इलेक्शन से इसका भारत ने देखी को उसने को गामा माओ ने को दुर्त ने। तो फिर आप कह रहे हैं कि आपने उनको देखा नहीं तीन उनके टर्म, अगली किस्मत है जी उसको कौन रोक रहा है। आप कह रहे हैं कि देखा ही नहीं उनको तीन बारी में, तो इस बार घनश्याम शराफ और कॉमरेड ओम प्रकाश में आप किसको वोट देने की सोच रहे हैं फिर अपनी बताओ? मैं तो देखो जी बीजेपी का। अच्छा आप बीजेपी के ही हैं? अच्छा हालांकि जब वोट दे गए तो तकरीबन नोटा पर लेकिन ज़्यादा यह सभी सी होने लगी तो उसमें यह कराया बीजेपी नुकसान तो कोई खास हमारे लिए तो कराया नहीं है। हम थे अभी कितलाना गांव में, जुड़े रहे CCA के साथ, हरियाणा चुनाव की खबरें आप तक आती रहे। धन्यवाद।